Narendra Singh Ji, Chandil. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर की बात रखना चाहता हूं. 2 करोड़ थोड़ा साइड में हो जाओ. सर, प्रोटेस्ट हो जाएगा. कोई बात. अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं. बुंदेलखंड ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां की लगभग जो उसकी जो आबादी है वो 2 करोड़ के आसपास है. उत्तर प्रदेश में 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश में कुछ जनपद आते हैं. पूरे बुंदेलखंड में 2 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में खेती का बहुत बुरा हाल है. किसी जमाने में जो वीर भूमि मानी जाती थी, वर्तमान की स्थिति यह है कि वहां पर लोग लाचारी और परेशानी के कारण से आत्महत्या के लिए मजबूर हैं. एक तरफ वहां के नागरिक अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं पूरी करा पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बेटी का हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं. मेरा जो विषय है वो ये है कि 2 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में जहां पर आंकड़े हैं, उस आंकड़े के अनुसार बुंदेलखंड में लगभग 2% लोग हृदय रोग के शिकार हैं. बुंदेलखंड का हर 5वां व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होने के साथ साथ हर 4था व्यक्ति ब्लड प्रेशर, हर 3रा व्यक्ति शुगर का मरीज है. और पूरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी जाने के लिए लगभग 5 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है, तब वो किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाता है. जुलाई 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हम लोगों ने मिलकर के वहां की लोग उसको मांग को रखा था, बड़े सघन अच्छी तरीके से उनसे बात की थी. और तब से बहुत लंबी मांग है. आज वर्तमान में यह स्थिति, 1 लाख पोस्ट कार्ड हमारे यहाँ अभियान चल रहा है. गांव गांव से लोग पोस्ट कार्ड लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ और सब जगह वहां राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, महामहिम के यहाँ पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं. बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं. मैं एक घटना बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ. वहां पर अभी की घटना है, एक किसान ने इस बात पर आत्महत्या की, उसकी पत्नी का वो इलाज नहीं करा पाया. एम्स में यहाँ आया और 3 दिन पड़ा रहा, उसको डेट नहीं मिल पाई. बहुत प्रयास के बाद यहाँ से लौट करके गया, उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद खुद जाकर के उसने अपने आप को फांसी लगा ली और मर गया. मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत पिछड़ा, बहुत गरीब क्षेत्र है, इस पर विशेष रूप से सदन की कृपा रहे. माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, विशेष रूप से हमीरपुर महोबा में मेडिकल कॉलेज एम्स की स्थापना की जाए. धन्यवाद.